हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा और डाइट एंड फिटनेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वस्थ बालों के लिए यानी कि हेल्दी हेयर जो है उसके लिए आपको क्या आहार लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी, छोटे छोटे ऐसे आहार बताऊंगी आपको जो कि आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाती हूँ कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि स्वस्थ बालों के लिए आपको क्या क्या खाना आपके डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो आप सबको पता होगा कि जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आप आहार लेते हो, उसी का असर आपकी त्वचा पे और त्वचा के साथ साथ आपके बालों पे भी पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपका डाइट जो है, आपका आहार जो है, वो हमेशा संतुलित यानी कि बैलेंस्ड और पौष्टिक होना चाहिए। तो हमारे बाल जो है दोस्तों, वो बनते हैं प्रोटीन से। केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है बालों में, जो कि ज़्यादा मात्रा में, जिसका कॉम्पोजिशन हम बोलते हैं बालों का, वो इस प्रोटीन से होता है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको आपके बालों का स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो आपको प्रोटीन से भरा हुआ आहार लेना चाहिए। तो सबसे पहले है चिकन यानी कि मुर्गी, मछली यानी कि फिश, या फिर अंडे। ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारी शरीर को प्रोटीन देते हैं। तो ये तीन चीज़ों का समावेश आपको आपके डाइट में करना है आपके बालों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों को चिकन खाना पसंद है, या फिर अगर चिकन खाना पसंद नहीं है तो फ़िश होता है जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। तो फ़िश यानी कि मछली में भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और प्रोटीन के साथ साथ उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी कि जो अच्छा एक नेचुरल ऑयल होता है, वो भी हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, वो पाया जाता है। तो आपने मछली यानी कि फ़िश ज़रूर खाना चाहिए। या फिर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चिकन या फिर फिश नहीं खाते, उनको पसंद नहीं है खाना, तो कोई बात नहीं। आप में से कुछ कुछ लोग अंडा खाते होंगे, अंडा बनाने भी बहुत आसान होता है और बहुत सारे लोगों को पसंद भी है अंडा खाना। तो अगर आप अंडा खाते हो तो वो भी आपको एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन देता है, और उसी के साथ ओमेगा 3 का भी एक अच्छा अंश इसमें होता है जो कि आपके बालों का झड़ना यानी कि हेयर फॉल जिसे हम बोलते हैं, उसको कम करता है। तो ये ऑप्शंस हुए जो लोग नॉनवेज यानी कि मांसाहार खाते हैं उनके लिए। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, सिर्फ शाकाहार ही करते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको अभी वो सारे ऑप्शंस बताती हूँ जो शाकाहारी लोग अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। तो शाकाहार करने वाले लोगों ने भी ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन की मात्रा उनके आहार में बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग नॉनवेज नहीं खाते, मांसाहार नहीं खाते हैं, तो प्रोटीन की मात्रा बहुत सारे शाकाहारी लोगों के डाइट में यानी कि आहार में कम पाई जाती है। तो आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि बहुत सारी चीज़ें खानी है जिसमें प्रोटीन अवेलेबल होता है, आपके शरीर को मिलता है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि प्रोटीन क्या क्या चीज़ों से आपको मिलेगा, और उसके अलावा मैं ये भी आपको बताऊँगी कि बाकी की चीज़ें, प्रोटीन के अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तो शाकाहारी लोगों ने सब प्रकार की दाल जो है, और उसी के साथ स्प्राउट्स यानी कि कड़धान्य हम जिसको बोलते हैं, वो खाने चाहिए अच्छे से उबाल के, या फिर जो भी आपको फॉर्म में पसंद आए, जो भी प्रकार से पसंद आए वो प्रकार में, लेकिन ज़रूर ये चीज़ें आपको खानी चाहिए, क्योंकि ये जो है दालें हैं और स्प्राउट्स जो है वो आपको एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन देगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जितनी ज़्यादा हो सके दिन भर में एक बार या फिर दो बार तो आपके आहार में उसको आपको समावेश करना है। उसके बाद है सूखा मेवा। सूखे मेवे में अखरोट है या फिर बादाम है, ये चीज़ों का समावेश आपको करना है, क्योंकि ये आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन देगा, और प्रोटीन के साथ साथ ये आपको ओमेगा 3 और विटामिन ई भी अच्छी मात्रा में देगा, जो कि आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अखरोट जो है या फिर बादाम जो है आपको पसंद है खाना, तो आप ऐसे भी खा सकते हो सूखे, नहीं तो आप रोज़ रात को एक 6 से 8 बादाम अखरोट दोनों मिला के 6 से 8 नंबर
भिगो कर रख सकते हो और सुबह में उसको खा सकते हो ताकि वो आपकी बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं। फिर आता है पालक या फिर हरी सब्जियाँ, जो कि आपको अच्छी मात्रा में फाइबर भी देते हैं और उसी के साथ बीटा कैरोटीन जिसको हम बोलते हैं उसका भी ये एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो आपको खानी हरी सब्जियाँ आपके डाइट में, आपके आहार में ज़्यादा से ज़्यादा। उसी के साथ साथ पालक जो है वो आयरन और फोलेट ये चीज़ों का भी बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो ये आपको जिसको हम डैंड्रफ बोलते हैं जो बालों में होता है उसको कम करने में भी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। फिर आता है विटामिन सी। तो विटामिन सी से भरपूर जो फल है वो आपको अच्छी मात्रा में खाने चाहिए अच्छे बालों के लिए। मतलब कि संतरा है, नींबू है या फिर मौसम्बी है, अमरूद है, ये सारे फल अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपके बालों के लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड। छोटे छोटे जो लाल कलर के अलसी के दाने आते हैं वो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप अगर सुबह उठ के खाली पेट अलसी के पानी का सेवन करो तो वह आपको अच्छे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो करना क्या है, रात भर आपको एक आधा चम्मच अलसी भिगो के रखनी है आधा ग्लास पानी में और सुबह उठ के वो पानी का आपको सेवन करना है। ये अगर आप रोज़ सुबह उठ के अगर करना चालू कर दो तो एक आध महीने में आपको उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपके बालों पे दिखेगा, क्योंकि अलसी के अंदर जो ओमेगा 3 है वो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अलसी के पानी के जैसे ही आप मेथी के पानी का भी सेवन कर सकते हो। अगर आपको अलसी के पानी से अगर ज़्यादा समय तक आप ले रहे हो तो थोड़ा सा कुछ बदलाव चाहिए होता है, तो एक दिन मेथी का पानी और एक दिन अलसी का पानी ऐसे भी आप आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए कर सकते हो। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि नारियल पानी, कोकोनट वाटर, ये भी आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जब भी आपको नारियल पानी मिल जाए, आसानी से मिल जाता है आजकल बाज़ार में नारियल पानी, तो उसका भी आप सेवन ज़रूर कीजिए। और है व्हीट ग्रास जूस यानी कि गवांकुर का जो रस होता है वो विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है। तो उसमें B6 है, B12 है या फिर जिंक है, आयरन है, ऐसे बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो गवांकुर के रस का सेवन एक अच्छे समय तक करने के बाद आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि आपके बालों का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। तो ये गवांकुर का रस जो है यानी कि व्हीट ग्रास जूस जो है वो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। तो उसको भी कैसे लेना है, सुबह गुनगुने पानी में, एक ग्लास गुनगुने पानी में 30 ml तक या फिर 15 ml से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसी के बाद आप 30 ml, जैसे जैसे आपका टेस्ट डेवलप होता है उसके लिए वैसे 30 ml तक मात्रा में आप उसको ले सकते हो सुबह सुबह उठ के गुनगुने पानी में। या फिर इसी तरह आप आंवले का जूस भी ले सकते हो, जो कि शुगर फ्री आंवले का जूस आपको मिल सकता है मेडिकल शॉप में, तो वो भी आप ले सकते हो अच्छे बालों के लिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो आज मैंने आपको बताया कि स्वस्थ बालों के लिए और अच्छे बालों के लिए आपको क्या क्या पदार्थ आपके आहार में लेने चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थ इसमें से जो भी आपको हो सके पॉसिबल वो आप लेने के लिए कोशिश कीजिए। तो जो भी मैंने आज आपको चीज़ें बताई आपके बालों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसमें से जो भी आपको हो सके वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और एक अच्छे समय तक अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ें ट्राई करते हो, एक महीना, दो महीने, जितना ज़्यादा हो सके, कंसिस्टेंसी रखनी है बस। तो अगर आप अच्छे से ट्राई करते हो तो आपको ज़रूर आपके बालों के स्वास्थ्य में फ़र्क नज़र आएगा, आपके बाल ज़्यादा चमकदार और ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको आज अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आप ये सब जब ट्राई करोगे तो उसके बाद कोई भी आपका फीडबैक है या फिर कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में आप वो सवाल भी पूछ सकते हो। तो मैं अब आपको मिलूंगी अगले वीडियो में नए नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।